सॉरी मैडम सर, वो हमारे इन्फॉर्मर का मैसेज आया है, ये बात करना चाहते थे हम आपसे कि उसने कहा है कि वो जो निवास त्रिपाठी है वो तो 2 हफ्ते से शहर में ही नहीं था, वो आज आ रहा है कोलकाता से 7 बजे की फ्लाइट से। एक काम करिए, तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए, उनको केस की सारी डिटेल्स दीजिए और रुकवाइए उस त्रिपाठी को। जी। कहिए कि उसकी पूरी चेकिंग करें, उसके लगेज में एक एक सामान अच्छे से चेक करें। जी। हो सकता है वो दूध में मिलाने वाले केमिकल साथ ही ला रहा हो, और अगर नहीं भी लाया हो तो कोई ना कोई और सबूत तो मिल ही जाएगा। जी ठीक है, आप रोकिए, बात करिए, और अगर नहीं होता है तो हमारी बात करवाइए। अरे नहीं नहीं मैडम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे मौसा जी है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके फाइन, देन गेट टू वर्क। जी। क्या हम जाएं केबिन से? नहीं मैडम सर, हम जाते। आइए आइए आइए। तो हो गई तसल्ली, कर ली कंप्लेन, क्या हुआ? कुछ भी बिगड़ा हमारा? खाम खायर मूड का अंतिम संस्कार कर दिया तुम लोगों ने। चलो जाने दो। पुष्पा जी, आप वो लिस्ट दिखाइए जिन जिन को आपने फोन किया था, और तुम दोनों वो लिस्ट निकालो जो निवास त्रिपाठी के रिश्तेदार है, नहीं है, हो सकता है, जो भी है, दिखाओ। चलो इधर। हैं? अब क्या बोलना चाह रही हो? एक सेकंड पुष्पा जी रुकिए, हम बताते हैं, हमको बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं, आप फिर हम बोलेंगे। हाँ हाँ, हे भगवान, पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? ये सीनियर है हमारी, सोच समझ कर बोलिए आप। हाँ। अरे लेकिन ये बोल क्या रही है? पगलेट बोल रही है। कह रही है कि आप जैसी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। बड़ी मेहनत से हमने ये लिस्ट बनाई है, सब से हम यही कहना चाह रहे थे, समझ रहे? सब समझ रहे हम। तुम दोनों ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। और आप पुष्पा जी, ये लिस्ट जो इन दोनों ने बनाई है, आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगी और सारी फाइलें वहां पे क्रॉस चेक करेंगी और देखेंगी कि निवास त्रिपाठी का कोई भी रिश्तेदार इस लिस्ट में आने से रह तो नहीं गया है, और हमेशा की तरह ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलते हैं। आपके अभी पाउडर वाला नकली दूध सप्लाई हुआ है, सिंथेटिक का? हाँ सर, हाँ, कभी आया है नकली दूध आपके घर पे? अरे भैया सुनिए सुनिए, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, दूध वाले थोड़ी बोल रहे हैं। क्या रेट चल रहा है मतलब, है पुलिस का रेट पूछता है? अरे तो दूध वाले थोड़ी दूध का रेट बताएंगे हम तुमको। देखो बेटा देखो, हमसे ना फालतू चकल्लस करना मत, तुम समझ रहे हो ना, इतना मारेंगे ना कि छट्टी का दूध चोरी करेगा। छोड़ दे, बस छड्डी खरीदने आराम से लग रही है, बहाने बहाने में हाथ साफ कर रहा है। भाई क्या चल रहा है? तो आप हैं इस थाने के नए सब इंस्पेक्टर मिश्री जी, क्या बात है, नाम और चेहरे का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बोलने में भी मिश्री और दिखने में भी मिश्री। पुराना डायलॉग छेप रहा है, हसीन मैडम को पहली बार मिला तो यही बोला था। हाय, I'm सनी चड्डा, रिपोर्टर, पर आज मैं खुद एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ इस आदमी की, इसने मेरा पर्स चुराया मैडम, आप फटाफट इसकी FIR लिखिए और अंदर करिए इसे। ये तुमको कहीं देखा है हमने मिस्त्री मैडम? मिश्री मिश्री मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे कल ही तो आपने मुझे घर से मतलब लॉकअप से बाहर कर दिया था, बिल्लू द स्पाय, हसीना मैडम का खास आदमी। बिल्लू जी, हाँ? अब देखो इसमें क्या है, आप शक्ल से तो लगते हो हमको जेंटलमैन। हाँ।
अब जेल का तो आपको पता ही है कि ना ही कोई जेंटल होता है, फिर ना ही कोई रहता है मैन। बहुत बड़ी दुर्गत हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ऐसे में तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। एक काम करते हैं ना, भगवान से ही पूछ लेते हैं। अगर हेड आया तो 5,000 देना और निकल लेना ठंडे ठंडे। लेकिन अगर टेल आया तो भाई समझ लेना कि इस बार तो भगवान का भी मूड नहीं है आपको बिल्कुल बचाने का। तो ये रहा। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देना? अब मुझे अंदर कर दो, बस मुझे अंदर जाना है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, हम यहाँ तुमको बचाने की बात कर रहे हैं और तुम? नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर कर दो। अरे अच्छा चलो ठीक है, खुद ही लिखो अपनी FIR। इतना सम्मान एक चोर को किसी थाने में मिला होगा। अपनी FIR खुद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रिपोर्टर साहब, लिखाओ अपनी रिपोर्ट। अब आप कह रही हैं मैडम तो करवा देते हैं। करो। हाँ भाई बिल्लू लिख। हाँ हाँ, तो मैं नूरपुर से गुजर रहा था। तो अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स कहाँ पहले निकला? मैं पीछे से ऐसे दबोचा, फिर गले की सोने की चेन निकाली। हाँ हाँ हाँ, चेन खींच ली, सोने की थी मैडम, और फिर मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स नहीं रे बाबा, उसके बाद अंगूठी, फिर ब्रेसलेट, फिर घड़ी, उसके बाद पर चुराया। हाँ, सब लिख दे, तुझे तो याद है ना? मैंने चुराया तो मुझे याद होगा ना। अरे बस भी करो यार। हो गया। लिखो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 294 के तहत में ये केस दर्ज होता है। दर्ज किया जाता है। साइन हम करेंगे। लाइए हम साइन कर देते हैं। अरे अरे वो लिखना नहीं है, इधर लाओ रजिस्टर। साइन हम करेंगे मतलब। अच्छा अच्छा, तो इसको निकाल देते हैं। हाँ भाई चलो, हो गई तुम्हारी FIR दर्ज। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद। जीती रहे, पीती रहे। हमें जीती रहे, पैर छुए ना, आशीर्वाद दे रहे तुमको। आवाज को क्या हुआ आपके? गई। कहाँ गई? फट गई। कम सुनाया कीजिए ना लोगों को। लल्ला कहाँ है? आए नहीं अभी तक। कितना काम करता है बेचारा। गोविंद बल्लभ। पढ़ रहे हैं? नहीं, करारे कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पा जी, और आपका ये जो बमबारी है इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम कुछ तो करें, इस आवाज का बोला तक नहीं जा रहा है हमसे, और ये सब हुआ उस नासपिटी सीनियर की वजह से। मिश्री मैडम, काम धाम तो कुछ आता नहीं है, बस ऑर्डर देने से मतलब है। अरे पूरा दिन फोन कर कर के नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ऐसी हालत हो गई हमारी आवाज की। पता नहीं ऐसे कैसे नाकाबिल लोग भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। का हुआ? अंडा। अंडा कहीं तो अंडा बना है। अम्मा ये पड़ोसी अपना ये टोपा कहीं के रोज अंडा बना रहे हैं, आजकल रोज का हो गया इनका। नहीं नहीं, मगर वो तो कोरोना की वजह से कब के गांव गए हैं। अच्छा तो दूसरा पड़ोसी बना रहा होगा, आपको कहा करना है? अंडा का पीछे काय पड़ गई है? नहीं नहीं, कहीं तो अंडा बना है। अंडे का जो बदबू है ना, हमको परेशान कर रहा है। हाँ पुष्पा, अरे अंडा का कुछ नहीं है। अरे वहां नीचे कहां का कुछ कर रही है? कुछ नहीं है। क्या है ये अंडा? किसने रखा? आपके लल्ला नहीं रखा होगा ना? झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना। हे भगवान, घर में अंडे और वो भी सावन के महीने में, घोर अनर्थ। पूरा का पूरा घर अपवित्र करके रख दिया हमारी बहू रानी ने।
कैसी अधर्मी और भ्रष्ट बहू मिली है हमको भगवान, जो अंडा खा रही है छुपा के। पुष्पा जी, अरे क्या किया आपने और क्या इतना बवाल हो रहा है? अंडा ही तो है, पूरा दुनिया खा रहा है अंडा। तो दुनिया के पास जाके बैठो और खाओ अंडा, हमारे घर में नहीं। देखिए पुष्पा जी, पुष्पा जी नहीं, अम्मा है हम तुम्हारे। और वैसे भी जो बोलना है ना, अभी घर के बाहर जाके बोलो। ये हमारा घर है, देखो पढ़ो। पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल, और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, समझी ना? हाँ हाँ माँ, पता है आपका ही घर है। कितना सेम डायलॉग बार बार हमें चिपकाइएगा, और कहाँ है, कहाँ देख रहा है, भाग यहाँ से, घुसन मारेंगे, भाग। कितना ये आप ओवर एक्टिंग करती है हमारे साथ। हम एक मिनट, हम ओवर एक्टिंग, हमारे साथ बात कीजिए एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। नहीं अम्मा, इन्फॉर्मर का फोन था हमारे, वो त्रिपाठी है ना, उसको लेके बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिला है। अच्छा क्या है? वो आप, हम सोच रहे हैं कि ये जो अंडे वाला मामला जो चल रहा है, अगर आप ये सुलटा देती हैं तो हम आपको लीड बता देते हैं। बताइए। इतना सस्ता नहीं है हमारा सम्मान। और वैसे हमको भी पता है वो जो त्रिपाठी है ना, आज शाम को 7 बजे कोलकाता से आ रहा है फ्लाइट से। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए। सुनो ना जी, घर की बहू ऐसे बाहर बैठ के बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना, अंदर चल के बात करो अपने घर में। चल चलो। वैसे लीड क्या है? लीड ये है अम्मा कि वो त्रिपाठी है ना, वो आने वाला नहीं है, आ चुका है सुबह ही। वो 18 नंबर की कच्ची दुकान नहीं है अम्बेडकर पार्क के पीछे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां छुपा है। अच्छा मैडम सर, पूरा कारखाना खाली, अंदर कोई नहीं है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? करिश्मा सिंह की इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? हेलो पुष्पा जी और संतोष जी, क्या हाल है? अरे कमर दर्द इतना हो रहा है ना यार। अरे यार। हाँ तो पुष्पा जी, कैसी रही आपकी रेड? कुछ हाथ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। मस्त फिल्म थी। ए, पर ये फेक इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बहुरा ने, मतलब करिश्मा मैडम ने दी थी, और उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए ना पुष्पा जी, आदमी तो एक मिल जाएगा। और संतोष जी, आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। है ना, मुझे भी लगा आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ यूनिफॉर्म में, इसलिए 2 सेल्फी पहले ले ली थी। अरे वाह, सेल्फी ली ना, अब हम दोनों मिलके एक फोटो ले लेते हैं। पुष्पा जी, हम अंदर से पिस्तौल लेकर आए क्या? क्यों? तो क्या है ना कि करिश्मा मैडम बोल रही थी ना कि उनका पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लाकर एक बार देख लेते ठीक से चल रहा है कि नहीं। अरे बैठो महाराज, बैठो, आओ चीते बैठो, आराम से। मैं तो बस यहाँ पर संतोष जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए? आपके लिए।
इम्प्रेसिव, तुमने बनाया है ये? हाँ हाँ मैंने बनाया, अरे चीते की कसम। ये देखो अरे वाह क्या बात है सनी, बढ़िया। ये तो सच में बहुत अच्छी है सनी। अब दिल से निकली हुई हर चीज सुंदर ही होती है ना संतोष जी? बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे से दिल का भरता बना है। पुष्पा जी आइए, आपसे अकेले में कुछ बात करना है। हम अभी आते हैं, बताइए। देखिए हम जानते हैं कि आपका रेट फेल हो गया है, हमारे बताए पते पर आपको कोई नहीं मिला, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती है पुष्पा जी कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। हाँ इस बार भी नहीं था, त्रिपाठी आया था लेकिन आप लोगों के पहुंचने से पहले उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे में से तो किसी ने बात लीक की है भैया। मतलब आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने उनको? तो हम का बोले और पुष्पा जी, हमारे 6 लोगों के अलावा और किसको पता है? आप, हम, ये संतोष, ये टोपा, मैडम सर, और वो आई है ना नई जुगाली करती रहती है वो। हमको तो लगता है ना आपको ये बात हसीना मैडम को बतानी चाहिए, वो भी तुरंत। हम नहीं बता रहे हैं हसीना मैडम को कोई भी बात, और हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ये आपके लिए कर रहे हैं और इस थाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जिसको बताना जाके बताइए, हमें क्या, हम तो छुट्टी पर हैं। पुष्पा जी मैडम सर का मैसेज आया, हम सबको अंदर बुला रही है और सनी को भी। चलो ये आपने लिखवाया क्या है मैडम? ये वो कंप्लेन है जो तुमने लिखवाई है बिल्लू के खिलाफ। हाँ जी, तो हमें एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्लू ने तुम्हें मोलेस्ट कब कर दिया? मोलेस्ट? मोलेस्ट? वाओ मैडम सर, इसका मतलब क्या है? इज्जत पे हाथ। इज्जत पे? और वो भी चट्टे की इज्जत पे? उसकी इज्जत है का? चट्टे, इतनी किच्ची गिरी हुई वाहियात बात तेरे घटिया दिमाग में आई कैसे? बेटा रिपोर्ट तूने लिखी थी, मैंने नहीं, भूल गया? मैडम कोई गलतफहमी हुई होगी, अरे मैंने तो इसके खिलाफ मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी इज्जत नहीं। और मिश्री मैडम थी वहां पे, उन्होंने तो धारा लगा के साइन किए, ये देखो। क्या हुआ मैडम सर? ये आपके दस्तखत है? जी हाँ बिल्कुल हमारे ही है। ये सेक्शन 294 आप ही ने लिखा है? हाँ लिखा, नहीं लिखा इन्होंने है पर लिखवाया हमने है। क्यों क्या हुआ? एक बात बताइए, सेक्शन 294 किस जुर्म के लिए लगाया जाता है? चोरी, छीना झपटी और राहजनी के लिए। Are you sure कि इन सारे अपराधों के लिए सेक्शन 294 लगाया जाता है? सेक्शन 294 ही लगता है मैडम, इसीलिए लिखा है हमने। सेक्शन 294 लगाया जाता है मोलेस्टेशन के लिए, अटैक ऑन अ वुमेन्स मॉडेस्टी, उसकी परमिशन के बिना उसे छूने के जुर्म में, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में लगाया जाता है सेक्शन 294। और जिन अपराधों की आप बात कर रही हैं, छीना झपटी राहजानी, उनके लिए लगाया जाता है सेक्शन नंबर 379 और उसके लिए सजा मिलती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक। 15 साल से इस लाइन में हूं। ये बात बिल्लू तक को पता है लेकिन आपको नहीं पता। मैडम सर अभी अभी बाहर करिश्मा मैडम ने बताया कि निवास त्रिपाठी को पहले ही पता चल गया था कि हम वहाँ रेड मारने वाले हैं, और इसीलिए पूरे तामझाम के साथ वो वहाँ से गायब हो गया। और करिश्मा मैडम को पक्का यकीन है कि ये खबर हम 7ों में से ही किसी ने त्रिपाठी को दी है। क्या सोच रही आप मैडम सर? सोच रहे हैं कि इस पोजीशन और इस पोस्ट के लिए आप कुछ ज्यादा ही होशियार और काबिल हैं। इस तरह के ओवर स्मार्ट लोगों की हमें इस थाने में जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से आपका ट्रांसफर करवा देंगे।
है ना मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहां से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहां से कहीं और ना जाएं। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। ये देखिए, माता रानी ने भी जवाब दे दिया, हेड आ गया, अब तो हम यही हैं मैडम सर, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वाह क्या बात है, मतलब एकदम मजा आ गया। एक ऐसा इन्हें आपको चैलेंज कर दिया, अब आप बताएंगी कि आपकी जो प्रवचन है वो हम पर ही चलते थे क्योंकि हम सुन लेते थे। अब साबित कीजिए, इस चुनौती का जवाब दीजिए। हम भी तो देखे दरिया में कितना पानी है और कितना आग है। वैसे तो उसूलन हम मक्खी और मच्छर मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा यह चैलेंज मंजूर है। अब देखते हैं तुम्हारे इस ट्रांसफर को कौन रोकता है। देख लीजिए मैडम सर, आप भी यही हैं और हम भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.